पुष्पा, पुष्पराज। गाइस अभी इस मूवी का हीरो यानी अल्लू अर्जुन जब इन वाली लकड़ियों पर से उड़कर इन वाली लकड़ियों पर जा रहा होता है तब इन वाली लकड़ियों पर कोई भी रस्सी नहीं लगी होती और रस्सी न लगने की वजह से ये लकड़ियां इधर उधर भाग रही होती हैं। लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तब तो उन लकड़ियों पर ये रस्सी कहां से आ जाती है और इधर उधर भागने वाली ये लकड़ियां अपने आप कैसे सेट हो जाती है रे बाबा। और फिर इस सीन में दिखाते हैं कि अल्लू अर्जुन की इतनी घमासान पिटाई हो रही होती है कि उनकी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है केवल ऊपरी वाले पार्ट से, लेकिन नीचे वाले पार्ट सिर्फ लाठी और डंडे के निशान बने होते हैं। लेकिन अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि लाठी डंडे के निशान कैसे बन गए रे बाबा, क्योंकि जब इनको पुलिस वाले मार रहे होते हैं तब उनकी लाठी और डंडे अल्लू अर्जुन की बॉडी से टच भी नहीं हो रहे होते हैं। देख लो कैसे डंडे लाठी लहरा लहरा के उनके साइड से निकल जा रहे हैं। और फिर इस सीन में एंट्री होती है अल्लू अर्जुन के न्यू लुक और अल्लू अर्जुन के इस लुक पर लोग पार्टी कर रहे होते हैं, वो भी दारू वाली पार्टी करेंगे दारू पारे। वेट 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 मेरे चचा के भतीजे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दारू की बोतल की पार्टी हो रही है, उसके अंदर दारू नहीं है। क्योंकि अगर बोतल के अंदर दारू होती तो भाई साहब यहाँ पर बोतल से दारू बाहर जरूर आती, क्योंकि इन भाई साहब ने बोतल को कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ मोड़ दिया है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और फिर इस सीन में दिखाते हैं वो नोटे जो आज से कुछ साल पहले मोदी जी द्वारा बैन कर दिए गए थे, वो भी इंडिया में। लेकिन वेट वेट वेट, क्योंकि ये नोटे इंडिया करेंसी में बैन कर दी गई हैं, तो इसका मतलब कि नई नोटे तो आ ही नहीं रही होंगी। तो फिर भाई लोग जो पहले के इंडिया करेंसी की हजार हजार की नोटे थी उनमें यहाँ पर कोई भी स्लिप नंबर नहीं था, तो फिर ये न्यू स्लिप नंबर इसमें कैसे एडजस्ट करके चिपका दिया गया रे बाबा। और फिर इस सीन में जब ये पुलिस कांस्टेबल अल्लू अर्जुन की कनपटी पर ये बंदूक रखता है तभी अल्लू अर्जुन के सारे टीम के लोग अल्लू अर्जुन को बचाने के लिए आ जाते हैं। और इन्हीं सारे टीमों में से एक बंदा ऐसा भी होता है जिसको चक्कर या कमजोरी की कोई बीमारी होती है, मगर फिर भी ये बंदा अपने उस्ताद को बचाने के लिए खड़ा होता है। लेकिन गाइस जब ये बंदा खड़ा होता है तब इसकी आंखों में बहुत ही बड़ा नशा होता है जो इसकी बीमारी से रिलेटेड है। आप देख सकते हो इस बंदे की आंखें अपने आप ही बंद हो रही होती है। तू सच बोलता है पुष्पराज, अब सरनेम कौन बताएगा? अरे चाचा क्यों परेशान कर रहे हो पुष्पा को, सरनेम तो पुष्पा ने बता ही दिया। वैसे पुष्पा के बाद जो राज लगा है उसे सरनेम ही बोलते हैं। लगता है चाचा को चंदा लगा के पुलिस की नौकरी मिली है। इस मूवी में 1 घंटा 20 मिनट कुछ सेकंड तक पुष्पराज की हेयर स्टाइल घुमरेले तरीके से होती है, लेकिन फिर 1 घंटा 20 मिनट कुछ सेकंड के बाद पुष्पराज की हेयर स्टाइल सिल्की तरीके से कैसे हो जाती है रे बाबा। और ये मूवी एक ऐसे टाइम से रिलेट कर रही है जिस टाइम पर कोई पार्लर या कोई स्टेट वगैरह का कोई चोचला नहीं था रे बाबा। वाह मानना पड़ेगा कमाल का अंदाजा है पुष्पा को, जो केवल पुष्पा ने इस रस्सी को पेड़ के ऊपर फेंका होता है और वो रस्सी इतनी छोटी होती है कि वो रस्सी जाकर पेड़ के ऊपर ही चिपक जाती है, मतलब कि पेड़ के उस पार नहीं जाती है। लेकिन फिर अगली सीन में दिखाते हैं कि वो रस्सी पेड़ के इस पार आ जाती है। और, और, और। यहाँ तक तो ठीक था कि पुष्पा ने इस रस्सी को पेड़ के ऊपर फेंका और ये रस्सी छोटी होने की वजह से पेड़ के उस पार नहीं जा सकी। चलो मैं मानता हूँ कि पुष्पा ने कोई दिमाग लगाया होगा और इस रस्सी को छोटे से बड़ा कर दिया होगा। और इस सीन में पुष्पा राज रस्सी को फेंकने के बाद पेड़ के इस साइड में नहीं आता है, तब इस चंदन की लकड़ी को कौन बांध के जाता है रे पापा, जो इतनी आसानी से पुष्पा भैया ऊपर लकड़ी को खींच रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा। जिस हिसाब से पुष्पा राज की खोपड़ी इस पेड़ से आकर टकराती है, अगर अभी इसी वक्त पुष्पा राज की खोपड़ी के एक्सरे करवा दिए जाएं, तो 20-25 फ्रैक्चर अभी तुरंत निकल आएंगे। लेकिन जब पुष्पा राज के फेस पर से ये मास्क उड़ता है तब तो पुष्पा भैया के फेस पर इतू से भी स्क्रैच नहीं होते हैं रे बाबा। यहाँ पर पुष्पा भैया मारते तो एक बंदे को है, लेकिन दूसरा बंदा तो अपने आप गिर जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? जब पुष्पा भैया इस बंदे के सीने पर अपना सिर मारते हैं तब उसकी वजह से इस बंदे के हाथों से वो बंदूक छूटकर हवा में पहले जाती है और फिर उसके बाद में हवा से डायरेक्ट जमीन पर आकर गिर जाती है। लेकिन फिर जब पुष्पा भैया हल्का सा रोटेट होते हैं तब पुष्पा भैया के हाथों में ये बंदूक फिर से हवा से होते हुए पुष्पा भैया के हाथों में ये कहां से आ जाती है? सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ।
इस सीन में पुष्पा भैया जब इस पुलिस वाले को मारते हैं, तब ये पुलिस वाला कुछ पल के लिए हवा में होता है और आप इसी पल का फायदा उठाकर देख सकते हो कि इस बाइक की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है। लेकिन जब ये पुलिस वाला अपने पलों को बिताकर हवा से नीचे आता है पुष्पा भैया के कंधों पर, तब उसी के साथ ही बाइक की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तू सच बोलता है। 5,000 दे दे। बोल मेरे को पप्पी। इस मूवी की स्क्रिप्ट कॉपी हो या ना हो ये तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन गाइस ये डायलॉग 100% कॉपी है। तो सबसे पहले मूवी का डायलॉग सुनते हैं। क्या बोला तूने? तो ये पुष्पा मूवी का कॉपी किया हुआ डायलॉग था। तो अब चलिए सुनते हैं ओरिजिनल डायलॉग। क्या बोला तूने? इस पुलिस वाले को देखकर मुझे हंसी छूट रही है, क्योंकि ये बंदा पुलिस वाला कम लेकिन कुपोषण का मरीज ज्यादा लग रहा है। अरे भाई, घूस देकर भी एक सरकारी नौकरी लेने की सीमा होती है। वैसे भी इस पुलिस वाले के बाल सिर से उड़कर सीने पर जाम गए हैं और सीना उड़कर टकले पर जाम गया। अरे बाबा, बड़ा हरामी हो बेटा।